हेलो एवरीवन, क्लास 11 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। चैप्टर फर्स्ट का ये वीडियो का पहला पार्ट है। टोटल 7 पार्ट्स है। आज के पार्ट में हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। वी ऑल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। दिस हैज लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस एंड सेल what is required by certain others. These are part of what we call as human activities. मतलब कि human activities क्या होती है, हम सभी लोग अलग अलग तरह की activity अपनी goods और services की जो need है उसे satisfy करने के लिए करते रहते हैं, इसे कहते हैं human activity. Human activity दो parts में divide की जाती है, economic activities and non-economic activities. Economic activities are those human activities which are performed to earn livelihood. मतलब कि जो हम धन कमाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेसमैन, ए डॉक्टर, ए टीचर एट्सेट्रा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो हम अपने कुछ फीलिंग्स, कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटीमेंट्स, पेट्रियोजम एट्सेट्रा आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जबकि वही टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू 3 पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है हम सब ये जानते हैं, सब लोग, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है, पर आज हम यहाँ पे देखें तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विथ मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का जो मेन एम होता है उसको लेकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब शामिल होता है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। Among all human activities, business is the key economic activity. सब activities में की activity होती है वो business होती है। अब देखते हैं profession. Profession is an economic activity that requires special knowledge and skill to be applied by individuals for earning their living. Profession वो activity होती है जिसमें special knowledge या skill की जरूरत होती है, जैसे कि कोई doctor होता है, charter accountant होता है, लॉयर होता है, और उन सबको प्रोफेशनल्स कहते हैं। द इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। और उन लोगों को उसके ऊपर जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है उसकी गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होता है, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है वो गाइडलाइन देती है, उसके मुताबिक डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को काम करना होता है। Employment. Employment is an economic activity in which people work for others and get remuneration in return. मतलब कि दूसरों के लिए जो काम करता है और उसके बदले में कुछ धन उसे मिलता है तो उसे कहते हैं employment. The people who are employed by others are known as employees. जो लोग दूसरों के द्वारा employ किए जाते हैं उसे employees कहते हैं, and the people that employ them are known as employer. और जो people or firm उसे employment देती है उसे कहते हैं employer. For example, people working in any organization as managers, clerks, peons, assistants, etc. आज का हमारा ये part यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले part में मिलते हैं concept of business, functions of business, features of business के साथ। Thank you.